बिस्मिल यू आर वाचिंग स्लो बेस एग्जाम विद जहांगीर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग एंड सी यूनिट थ्री कंप्यूटर साइंस क्लास टेंथ का सिलसिला जारी है एंड द टॉपिक्स ऑफ द वीडियो ऑफ दिस वीडियो आर ऑर्डर ऑफ ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स ये हम देखेंगे एंड देन वी विल सी असाइनमेंट वर्स इज इक्वल टू ऑपरेटर दैट वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर एंड देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स एंड एट द एंड वी विल सी कंडीशनल ऑपरेटर दट आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रिस ऑफ ऑपरेटर्स सी लैंग्विज में हमने पिछले वीडियो में सी लैंग्विज के जो ऑपरेटर्स हैं उसको डिस्कस किया था वी हैव डिस्कसड फाइव टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देट व अरेथमेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर एंड वी हैव इनक्रीमेंट एंड डीमेंट ऑपरेटर्स तो जब भी हमारे पास uh, ये चीज़ें uh, एक एक्सप्रेशन में या एकशन में आती हैं uh, तो उसकी जो एवोल्यूशन होगी एवोलिये होगी कि मतलब सबसे पहले uh, किस पे काम होगा uh, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रस ऑफ ऑपरेटर्स सो दीज आर सम रूल्स दैट समेट स्पेसीफाई परफॉर्म इन एन एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन में एक इक्वेशन में जिस तरह आप लोग मैस के साथ बडमास आप लोगों ने यकीन मैस में पढ़ा होगा कि जिसमें ब्रैकेट पहले होते हैं वही रूल्स जो है ना जब सी लैंग्वेज का कंपाइलर फॉलो करता है तो वो किस तरह होता है इसकी जो प्रेसिडेंस है तरजीह है कि मतलब किस ने सबसे पहले होना है एक एक्सप्रेशन में लेट सपोज जि, जितनी भी ऑपरेटर्स आपने किए हैं आपके हैं आ, वो सारे आए हुए हैं तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स जो है वो जो इवेल्युएट होंगे जिस पे काम होगा जिसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट विल बी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम प्लस प्लस और माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं जब वो सारे हो जाएंगे एक एक्सप्रेशन में आ, तो उसके बाद आ, हमारी जो इवेल्युएशन होगी वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर की होगी दूसरे नंबर पर इनकी प्रेसिडेंस है फिर जब वो भी हो जाएंगे मतलब आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गए मल्टीप्लीकेशन डिविजन और रिमाइंडर भी हो गए फिर उसके बाद आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी और जब तीसरे नंबर पे वो भी हो गए तो फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंस आती है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स की आती है जिसको हम जिसमें हमारे पास लेस देन लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में से दो और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस जो है इन से कम है जिसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू और इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट होता है और इक्वल टू जो है डबल इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट होता है ये सारे जब हो जाएं तो उसके बाद प्रेसिडेंस जो है हमारे पास लॉजिकल नॉट की है लॉजिकल नॉट के बाद हमारे पास प्रेसिडेंस है लॉजिकल एंड की और उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंस है लॉजिकल आर की और सबसे आखिर में हमारा जो काम होता है जाहिर बात है असाइनमेंट ऑपरेटर uh, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए होता है तो वो सबसे आखिर में होता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं जिसमें इक्वल टू uh, मतलब जो uh, जिसको हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिस तरह मल्टीप्लाई इक्वल या मल्टीप्लाई असाइनमेंट डिवाइड असाइनमेंट रिमाइंडर असाइनमेंट इनकी जो है वो सबसे आखिर में प्रजिडेंस uh, आती है अच्छा अब इस तरह भी हो सकता है जिस तरह ऊपर हमने प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब दोनों दुन, की बराबर ले की है इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर की बराबर है प्लस माइनस की बराबर है अब अगर व्हाट वी वेल डू या व्हाट और कंपाइलर वेल डू कि मिसाल के तौर पर एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी आ गया डिवाइड भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया इन दैट केस तो इेस्पेक्टिव ऑफ देअ इस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटर के कौन सा ऑपरेटर है इसको देख के बगैर हमारा कंपाइलर जो है इन तीनों में से लेफ्ट हैंड साइड पे जो आएगा पहले लेफ्ट हैंड साइड से एक्सप्रेशन में उसको सबसे पहले करेगा सिम प्रेसिडेंस ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट वाले को पहले करेगा फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो सबसे राइट में होगा उसको सबसे आहिर में करेगा अच्छा कभी कभार हमें बल्कि अक्सर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें जो प्रेसिडेंस है इसको चेंज करना है तो उसके लिए मॉडिफाई करने के लिए मतलब मिसाल के तौर तो पर हम चाहते हैं कि एडिशन को इंक्रीमेंट से पहले कर दें अब कंपाइलर में तो उसकी प्रेसिडेंस जो है ना उससे कम है मतलब उसने बाद में एविलियट होना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जिस तरह मैथ्स में आप लोग ब्रेकेट इस्तेमाल करते हो तो ब्रेकेट को सबसे पहले किया जाता है तो जिसको हम जिसकी हमने मॉडिफाई करनी हो प्रेसिडेंस तो उसको हम ब्रेकेट में बंद करते हैं सो दिस दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर उसके बाद आ, हमने देखना है कि जो असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है सबसे पहले पॉइंट हमने पॉइंट में तकसीम किया है यूज फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है जबकि इक्वल टू ऑपरेटर जो है दिस इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप मतलब इंटीजर इंटीजर फ्लोट फ्लोट करेक्टर करेक्टर इस तरह की सेम डेटा टाइप की दो वैल्यूज़ हों उनको कंपेयर करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं इसके लिए सिंबल जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो इक्वल सिंबल है वो सिंगल यूज़ होता है और इक्वल टू ऑपरेटर के लिए डबल इक्वल सिंबल इस्तेमाल होता है इसका सेंटेक्स तरीका क्या होता है कि हम रेबल वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और जो वैल्यू हमने असाइन करनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर जो है इसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू सिंबल के लेफ्ट और राइट पे लेकर जाता है और इसकी एग्जांपल हमारे पास है ए फाइफ इज़ असाइन टू ए मतलब ए जो है उसको फाइव की वैल्यू असाइन हो गई है ए इज इक्वल टू वन मतलब अब चेक किया जाता है कि ए जो है वन के बराबर है या नहीं है उसके लिए ऑपरेटर टाइप आ, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का टाइप है और हमारे पास इक्वल टू जो है वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप है सो दिस इज असाइनमेंट वर्सेस इक्वल ऑपरेटर अच्छा दूसरी चीज जो हमने देखनी है यूनरी वर्सेस या मतलब यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स का क्या डिफरेंस है यूनरी मीन्स वन और बाइनरी मीन्स टू तो हमारे पास वो ऑपरेटर्स जिसके एंड

लॉजिकल नाट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं इसके सिंबल भी मैंने बनाए हुए हैं तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास अरेथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड और आर जो हैं इस्तेमाल होते हैं इसकी एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू माइनस बी मतलब अभी की वैल्यू को क्या करेगा माइनस करके देगा मतलब ये लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसी तरह जे प्लस प्लस अब जे प्लस प्लस जो है इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है तो ये नोरी टाइप का ऑपरेटर है उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेटर की ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अब प्लस जो है दो अपरेंट पे काम कर रहा है बी और सी पे सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल z इज इकल टू जे मल्टीप्लाई के अब j और k पे दो ऑपरेटर uh, हैं जिस पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई जो है वो अमल कर रहा है सो दिस इज यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर अच्छा लास्ट टॉपिक जिसको हमने देखना है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं यूनरी ऑपरेटर इससे पहले हमने डिस्कस किया यूनरी मीन जिसका ऑपरेंट वन हो

हम इसलिए इसको टर्नरी कहते हैं दूसरा एक्सप्रेशन वन है फिर कॉलन है फिर एक्सप्रेशन टू है मतलब इसमें तीन ऑपरेंड इन्वॉल्व हैं दैट्स व्हाई वी कॉल इट टर्नरी ऑपरेटर इसमें होता क्या है कि कंडीशन को चेक किया जाता है इफ ट्रू uh, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कंडीशन से लेके एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन तक ये सारा का सारा एक्सप्रेशन वन की वैल्यू में चेंज हो जाती है एक्सप्रेशन वन से जो भी वैल्यू आती है ये पूरे स्टेटमेंट की वही वैल्यू बन जाती है अगर फॉल्स हो तो फिर हमारे पास ये जो जितना भी स्टेटमेंट है इस सब की वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन टू की बराबर हो जाती है आ, एक, इसका एग्जाम्पल अच्छा अब ए एक वेरिएबल है जिसको कोई वैल्यू असाइन हो होनी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी राइट हैंड साइड पे इसका टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है अब इसमें क्या है इज ग्रेटर देन के सॉरी के इज ग्रेटर देन अब ये कंडीशन चेक होगी अब अगर K जो है है 15 से ग्रेटर तो फिर वो एक्स और वाई आपने प्रोग्राम में ऊपर वैल्यूज दिए होंगे उनको मल्टीप्लाई करेगा उससे जो जवाब आएगा वो ए को असाइन होगा अब अगर ये कंडीशन फास्ट है लेट्स सपोज के इज नॉट नॉट ग्रेटर देन 15 15 से कम है ज्यादा नहीं है तो फिर क्या होगा एक्स और वाई आपस में प्लस होंगे और उससे जो जवाब आएगा वो ए को असाइन होगा सो दिस इज टर्नरी इसका एक प्रोग्राम है वो देखते हैं लुक एट दिस हमारे पास एक प्रोग्राम है प्रोग्राम में होते हैं इसके बाद हमने तीन वेरिएबल डिक्लियर किए हैं एंटीजर ए बी और लार्जर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसके बाद हमने प्रिंट एफ एंटर टू इंटीजर्स ज़ाहिर बात है हम ए बी के लिए दो वैल्यूज लेना चाहते हैं एफ में परसेंट डी परसेंट डी वो जाहिर बात है इंटीजर दे रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंट डी इस्तेमाल होगा पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है कॉमा एम परसेंट ए एफ के साथ हमने कहा था कि आ, हम क्या करते एम परसेंट ए इस्तेमाल करते ताकि वो वैल्यू जो है वो ए का जो एड्रेस है वो वहाँ पर जाए फिर कामा और फिर एम परसेंट बी और एम परसेंट बी का मतलब यह है कि जो दूसरी वैल्यू होगी वो बी की जगह पे जाएगी अब यहां पे हमने वो टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया है लार्जर इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क अब ये कंडीशन चेक होगी अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो ए की वैल्यू जो है वो लार्जर की वैल्यू बन जाएगी अगर बड़ी नहीं होगी मतलब बी बड़ी होगी तो बी की वैल्यू जो है वो लार्जर की वैल्यू बन जाएगी लार्जर नंबर इज परसन डी लार्जर अब लार्जर जो भी इसका असाइन हुआ है वो आउटपुट में हम देखना चाहते हैं कि कौन सा असाइन हुआ है इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आ, मिसाल के तौर पर हम देते हैं एट कामा सॉरी फुल स्टॉप है ये कामा फिफ्टीन अब बी को हमने फिफ्टीन दिया और ए को हमने एट दिया अब बी की वैल्यू असाइन हो गई क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी और बी जो है हमारा तो लार्जर नंबर इज फिफ्टीन यहां पर चेक देखें यहाँ पे कंडीशन को देखे किधर गया ये हाँ बी क्योंकि 15 क्यूंकि बड़ा है तो इसका मतलब है कि पहला एक्सप्रेशन जो है या पहला ए जो है उसकी वैल्यू असाइन लार्जर को नहीं हुई बी की वैल्यू जो है ना वो लार्जर को असाइन हुई और यहाँ पे हमने वो वैल्यू डिस्प्ले कर दी सो दिस अ प्रोग्राम अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स आज की वीडियो uh, यहाँ तक है इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़